नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं इस कोर्स में तुम लोगों को हर वो चीज सिखाऊंगा जो कि किसी भी एक फाइव स्टार होटल की कामयाबी के लिए बहुत जरूरी होता है। मेरा ये कोर्स करने के बाद तुम लोग दुनिया के किसी भी होटल में जाके मेरा नाम लेके मैनेजर की नौकरी पा सकते हो। बेटा बंटू सुन रहे हो ना तुम? अच्छा हाँ। थैंक यू। ये कोर्स हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का एक हिस्सा है। भाई ये होटल की बात करते करते हॉस्पिटल कैसे पहुंच गया? भाई हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमानों की खिदमत करना, अतिथि सत्कार। फाइव स्टार होटल्स में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, करोड़पति लोग आते हैं, उनसे किस तरीके से पेश आना चाहिए ये अपने आप में कला है जो आज मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा। थैंक यू। चंटू तुम जरा खड़े हो जाओ। देखो मानो कि मैं वो करोड़पति ग्राहक हूं और तुम उस होटल में वेटर हो। मैं तुम्हारे होटल में आता हूं, तुम मुझसे किस तरीके से पेश आओगे बताओ। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ए बोला, 9 नंबर में पानी रख, 4 नंबर में फटका मार। हाँ चश्मी से 12 रुपया आर्डर ना ले लेना। बोलो साहब खाने में क्या लाओ? गुला गोश, दाल फ्राई, मटन कुटाला, चिकन बिरयानी, रोस्टेड चिकन, चुका चिकन, फिश फिंगर। क्या लेगा? ये फाइव स्टार होटल है, कोई काकेदा ढाबा नहीं है, और ग्राहक भाग जाएगा इस तरीके से। एक काम करो, तुम यहाँ पर बैठो कस्टमर की जगह पे। बेटा सुंदरी, तुम जरा बताना इसको। गुड आफ्टरनून सर, मे आई हेल्प यू? क्या लेंगे आप? चांदनी बार नजर आ रहा है क्या यहाँ पर? वेरी गुड वेरी गुड। बेटा जाके बैठ। सर मैं हूँ मैं। अरे नहीं नहीं बेटा बंटू, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो सीधे मैनेजर बनना है ना। नहीं नहीं तुम आराम से बैठो। सर आप हमें बताइए ना कि किस तरह से पेश आना चाहिए प्लीज। हाँ मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आकर बैठो, मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। ठीक है सर। थैंक यू। जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। Oh my God! It's a pleasure, gentlemen, that you are here tonight. Sir, we have very good Italian food here. Then we have very good Chinese, and we have very good Thai food. What would you like to have, sir? Jamai la paunya. Ye bingrezi bingrezi atna ya mala. Ye baaki sab sod. Jhunka bakar, kola puri rasa, vada pav, bido pav. Kya itte tuja kade? Yaar kuch. What did he say? Hey, papa, baaki di galla chhad. मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी है? नहीं पास्ता है। अरे सस्ता पास्ता छठ पैसे है हमारे पास। अरे भाई पैसे है, अरे भाई पैसे, अरे भाई पैसे, अरे भाई पैसे। वेरी गुड वेरी गुड। एक्चुअली कभी कभी आपके पास इस तरह के कस्टमर्स भी आ सकते हैं, तब आप लोगों को मेरी तरीके से मुस्कुरा कर उनको अटेंड करना चाहिए। गुड, आज की क्लास खत्म। थैंक यू वेरी मच। साला मुझे ईरानी होटल का वेटर कह रहा था, हमने उसे नेपाली की चाइनीज गाड़ी का छोकरा बना डाला, और मुझे बोल रहा था तुम सीधा मैनेजर बन जाओगे। मैनेजर आला ना मजाक तावड़ी आता येईल गम्मा। साले को जब पता चलेगा कि तू ओबराई का भांजा तो छोड़, तेरे बाप के चाय के स्टॉल खोलने के वादे हैं तो उसमें क्या बीतेगी। छोटा मोटा आदमी ना, अब देख बेटा ये छोटा मोटा आदमी कैसे बड़ा नाच नचवाता है। मतलब मेरे ही ऑफिस में घुसकर मुझी को लल्लू बनाया। लल्लू तो फिर भी अच्छा होता है सर, उल्लू बना दिया आपका। बताइए, अरे पोपट कर डाला आपका। आप अपने आप को बहुत छाना कौवा समझते हैं ना, गोबर में घुसेर दिया आपको। अच्छा तू बड़े मजे ले रहा है। नहीं अभी वो जानते नहीं है मैं क्या चीज हूँ। उन्हें मालूम ही नहीं है सर, बहुत कुत्ती चीज है आप। बहुत सही पहचाना बेटा, इन लोगों ने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन टेस्ट लेके तो मुझे ही पास करना है ना। ऐसे ऐसे टेस्ट लूंगा कि सालों का फुल टॉस हो जाएगा। हाँ हाँ करने के बजाय काम कर चल। अब बजेगा सालों का बैंड। हेलो, हाय, हाय, हेलो, वेलकम वेलकम। मिस्टर जॉन, आप और आपकी टीम इंग्लैंड से वक्त निकाल कर यहाँ हिंदुस्तान में हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट देने आए, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच। खैर इंस्टीट्यूट तो आपने देख ही लिया, अब हमारे स्टूडेंट्स आपको यहाँ के अलग अलग किस्म के वो पकवान, हाँ वो पकवान खिलाएंगे, जिन्हें चख के आपको उन्हें मार्क्स देने हैं। पकवान ले आओ।
क्या बना रहा है भाई? मैं इंडियन बर्गर बना रहा हूँ। इंडियन बर्गर कैसे? देखो, रास्ते से दो चार वड़ा पाव खरीद लो, पाव के ऊपर सॉस से अच्छी सी डिजाइन कर लो, दो चार कांदे टमाटर अच्छे से प्यारे से काट कर साइड पर सजा दो, बन गया आपका इंडियन बर्गर। Oh, no! अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसको? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रे 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 आज होगा कांड। अब मैं फेल हो जाऊंगी, मैं क्या करूं? अरे सबसे पहले तो ये रोना बंद करो मेरी माँ। हो गया कांड। देखो एक काम करो, तुम इसकी खीर अपने नाम पर प्रेजेंट कर दो और तुम्हारी डिश ही अपने नाम पर पेश कर देगा। तो क्या करा, मेरी खीर से क्यों दे रहा है? देख यार, एक बार तूने उसे डूबने से बचाया था। हाँ। तो इस बार फेल होने से बचा देना यार। हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ बोला, हाँ बोल दिया, 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 हो गया भाई लो। लगता है खीर के चक्कर में अपने यार की खिचड़ी पक जाएगी। क्यों? सुंदरी के लिए खीर, चंटू के लिए ताल। यार खुराना, आज तक हमने कोई स्टूडेंट्स की डिश चख ही नहीं डर के मारे, और ये लोग दबा के वो कर रहे हैं, खा रहे हैं। ओ सर, अभी तो आप हमारे स्टूडेंट्स की खीर खा के देखिएगा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। डाल दिया था ना? हाँ सर, आधा किलो नमक और एक मुट्ठी दवा के जुलाब की गोलियां। वेरी गुड इम्प्रोवाइजेशन। अब ये खीर खाएंगे और उसके बाद इनका कमरा जो दूसरे गेस्ट को दे देना है। क्यों सर? क्योंकि ये तो टॉयलेट में ही रहेंगे। अब लड़कों को मिलेगा अंडा। सर खीर आ गई है। आ गई ना? हाँ। ये खीर पे खुराना साहब की लड़की का नाम कैसे है? ये कमीने फिर कोई चाल चल गए। अरे इनकी चाल हमारा हाल बिगाड़ देगी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छी खीर है ये। अरे क्या हो रहा है? एवरीवन ऑन खीर है, मैं इसलिए बात कर रहा था। अरे तो क्या तुम सारी की सारी उसकी वो कर दोगे? हाँ जी। अरे सारी की सारी खीर सफाचट कर डालोगे? करेक्ट। नहीं सर, नहीं, ये तो मैं ही खाऊंगा। सर आपका कमरा किसी गेस्ट को दे दूं? क्यों? अब आप तो टॉयलेट में रहोगे। क्यों कर रहा है? ताकि इसके कमीनेपन का पोल खुल ना जाए। दरअसल इसके चमचे ने तेरी खीर में जुलाब की गोली और नमक मिलवा दिया था, और वो मैंने देख लिया था, इसीलिए तो मैंने तेरी डिश और सुंदरी को दिलवा दी थी। लेकिन ये ऐसा क्यों करेगा? इसका पता भी आज रात को चली जाएगा। कितने? 21। क्या बात कर रहा है? 21 बार हुआ है सर। आप, मुझे तो लगता है आज आप सिल्वर जुबली मनाओगे। बेटा अगर यही हाल चलता रहा तो गोल्डन जुबली होने में भी देर नहीं है। हाँ सर, आपने कहा उनकी खीर खराब कर दो, लेकिन उन्होंने तो आपकी हालत ही खराब कर दी है। सही बात है, बहुत बड़ा धोखा हो गया। पहले बेवकूफ बनाकर एडमिशन लिया और उसके बाद खीर खिला के फकीर बना दिया। रे पड़े, कुछ कर पड़े। सर लाल चड्डी लेके आऊं? हाँ लाल चड्डी। लाल चड्डी क्यों? अरे सर लाल सिग्नल से तो बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है, ये क्या? अरे बेटा इस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी अब। 22। अरे सर दरवाजा तो ठीक से बंद कर लेते। अरे यार बंटू, ये तो अपनी सारी पोल खुल गई यार। इस बार तो बच गए, ये कमीना अगली बार हमें नहीं छोड़ेगा। अरे अगली बार आने से पहले इसका ऐसा बंदोबस्त करते कि साले का परमानेंट मुंह बंद हो जाए। वो कैसे यार? देखते रह, तुम देखते रह।
are you, Mr. Gill? The manager? Yes, I am. Mr. Gill, mujhe bacha lo. Kisse? Barbaad hone se. Oh, all right. Please. Mr. Gill, main apne ghar se bhagi thi, apne boyfriend ke naal. Achha. Usne mujhe hatheli par chaand tare dikhaye the. Lekin yahan aakar, mazi loot kar, wo 9-11 ho gaya. Hotel bill de paise bhi nahi diye. Wahan se to main kisi tarah nikal kar aayi. Lekin ab to aapko ghar lautne ke paise hai. Aur na raat bitane ka aasra. Arre. Mr. Gill, main aapke paas badi aas lekar aayi hoon. Maine suna hai ki aapka dil darya hai. Aur mujhe jaisi saari bhatki hui nadiyon ko aap apne darya dil mein sama lete ho. Mr. Gill, ek hi raat ka sawal hai. Kal to main apna kuch na kuch kar lungi. Nahi, ab to main ghabrane ki koi zarurat nahi hai. Koi zarurat nahi. Ab to jo karna hai wo mujhe ko karna hai. Aur tum ek raat kya jitni chahe raatein mere kamre mein bita sakti ho. No problem. Mr. Gill, ek baar phir se dohrao. Mujhe apne kaanon par vishwas nahi aa raha. नहीं कोई बात नहीं मेरी शरण में आई हुई कोई लड़की बेसहारा नहीं हो सकती. चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना कमरा. चलें आजा आजा अंदर आजा अंदर आजा. अरे सुनो मैंने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं. नाड़ा ढिल्ल नादिया डागर सिंह ढिल्ल. नाड़ा ढिल्ल. वहां बाप को बचपन से ही मालूम था क्या? बड़ा अच्छा नाम है नाड़ा ढिल्ल. मेरा नाम गिल्ल. मिस्टर गिल्ल, वैसे तो आप बहुत शरीफ आदमी है लेकिन कमरे में कहीं अंदर आपकी बीवी तो नहीं है ना? अरे मेरी बीवी कहाँ से आएगी, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक. अच्छा, और नौकर चाकर? नौकर चाकर इस हिस्से में आते ही नहीं है जब तक मैं उन्हें बुलाऊ नहीं. उई माँ, मुझे तो डर लगता है, मुझे अकेले में देखकर कहीं आप मेरी इज्जत पर हाथ तो नहीं डालोगे? नहीं, क्या बात कर रही हो, तुम्हारी मर्जी के बगैर मैं तुम पर कैसे हाथ डाल सकता हूँ? क्यों नहीं कितनी गर्मी है. ऐसा कहकर अगर आप दरवाजे कोई कुंडी लगा दो. ये एसी ऑन कर दो. अच्छा एसी तो ऑन ही है. यहाँ कुर्सी पर सामान रखकर मुझे बिस्तर पर बिठाओ. आओ ना. कोई माँ, लगता है लेफ्ट साइड आपकी फेवरेट है. बैठो एक मिनट. और फिर यहाँ जो फोन पड़ा है ना, उसे हल्के से यूं ऐसे हटा दो और अपना कोट उतार कर अपनी टाई ढीली कर दो. लामक कर दो. थैंक यू. फीलिंग बेटर? मच बेटर. फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे कहो, मुझे कॉपरेट करोगे तो मैं डर के मारे नाके से बोलूंगी. सुनो, मुझसे कॉपरेट करोगी? इतना अच्छा गाती हो. इधर आओ. अरे इधर आओ ना, एक बार गाना मुझे सुना दो. गिर गई. हाँ देखो सुनो, मेरे ऊपर आना मत. नहीं क्या कर रहे हो? अरे चंटू तुम. नमस्ते सर. आपको कहाँ देखा था सर, और कहाँ पाया? ए झूठ बोल रही है ये, झूठ बोल रही है. मैंने इसको आसरा दिया है. सर आपकी ये बात कौन मानेगा सर? अभी ये चीखेगी, अब ये चिल्लाएगी सर. समझ गया. बहुत कमी नहीं है, कुछ पैसे हैं. हाँ, एक मिनट. अरे गिनने का टाइम नहीं है सर, देखिए कितना चिल्ला रही. दीजिए आप. ये क्या कर रहे हो सारे, कैसे? ये ले रख. अब तो अपना मुंह बंद रखेगी ना? नहीं, इससे तो सिर्फ जबान बंद होगी, मुंह तो खुला ही रहेगा. बहुत बड़ा मुंह है कमीनी का. सर ये चेन, चेन भी दे दीजिए. क्यों बहुत चिल्लाएगी, बहुत कमीनी. अरे घड़ी गाड़ी ना, की फिक्र मत कीजिए, मैं इज्जत बचाऊंगा. अरे बाप, माल के लाओ. ये ले, अब चुप रहे, अगर आप बोला ना तो गला घोट दूंगा तेरा. ओके 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 चलो गिल्लो, होपी गुड टू हेल, बाय बाय. ओए चली पंजाब की कुड़ी. ये क्या किया चंटू, मेरा सब कुछ उतार के उसे दे दिया. कैसी बात कर रहे सर आप, अगर ये बात इस कमरे के बाहर चली जाती तो स्टूडेंट आपको खुजली वाला कुत्ता समझकर थूथू कर देते. नहीं नहीं सर, मैं तो कहता हूँ मैनेजमेंट आपको लात मार के यहाँ से निकाल देती. ऐसा क्या? हाँ सर हाँ. थैंक यू चंटू,
तूने बहुत बड़े धर्म संकट से मुझे निकाला है। आपको अंदाजा नहीं है सर, मुझे ब्लैक मिलरों से कितनी नफरत है। आप जाइए, जाकर ठंडे पानी से नहा लीजिए सर, प्लीज प्लीज। हाँ ओके, हाँ नहा लेता हूँ मैं, थैंक यू। ड्यूटी करके अपनी हालत खराब हो जाती है। नहीं यार, थक जाए, फिर से वही सोना पड़ाना। और अब तो हॉस्टल जाके नहाने का वक्त भी नहीं है, क्योंकि वो बिग की क्लास शुरू हो जाएगी और अगर हम लोग लेट पहुंचे तो उसे फिर से बहाना मिल जाएगा। हाँ यार, लेकिन आखिर करें तो क्या करें यार? यार ये कमरा मुझे खाली लग रहा है, तो एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाके नहा लेता हूँ, तब तक तू यहाँ बाहर खड़ा रहे, फिर तू नहा लेना और मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, ठीक है? क्या हुआ, कहाँ लगी? यहाँ यहाँ यहाँ, शायद शायद घुटनों में लगी होगी। तो फिर कहाँ लगी? हाँ, तुम इस कमरे की सफाई कर देना, तब तक मैं 3 फीट को चेक करके आती हूँ, वहाँ कुछ नल का प्रॉब्लम है। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गरम पानी में पूछ पूछी नहाना चाहिए, उसपे साला उसपे साला जकूजी मिल जाए तो मजा आ जावे। यार खन्ना, बोल खुराना। मैं क्या बोल रहा था? ओ, मुझे क्या पता तू क्या बोल रहा था। अब अपना वो है ना, क्या? अरे वही जो काफी टूटी फूटी सी है, उसका वो कर देते हैं। तुझे शर्म नहीं आती भाभी के बारे में ऐसे सोचते? अब वो बूढ़ी हो गई, इसके लिए उसका क्रियाकर्म कर देना चाहते हैं? ना तू ये क्या बातें कर रहा है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो उसके वो दिन उसमें वो आया था, अरे जिसके शुरू होने से पहले ही उसका वो हो गया था। तू अपने हेल्थ रिसोर्ट के बारे में बात कर रहा है? करेक्ट, नाम मतलब हेल्थ रिसोर्ट का है? जब भी उसकी बात चलती है मेरी हेल्थ खराब हो जाती है। अरे लेकिन हमारी उसमें काफी वो फंसी है ना, अरे क्यों ना हम उसका वो कर दे। हाँ हाँ यार, तेरी बात समझ गया, हमारी वेल्थ काफी फंसी है उसमें। वेल क्यों ना हम उसे बेच दे। हाँ। अरे नेकी और पूछ, लेकिन यार खरीदेगा कौन उसे? अरे ढूंढने से वो मिलता है, एक वो नहीं मिलेगा है? अरे क्यों ना हम उसका वो देकर देखते हैं। मतलब ढूंढने से खुदा मिल जाता है तो एक बकरा नहीं मिलेगा? करेक्ट, यानी न्यूज़पेपर में इश्तहार देकर देख ले। करेक्ट करेक्ट, दे दो
दे दो, पोस्टर चिपका दो सब जगह। सॉरी, आप इस होटल में हाउसकीपिंग मैनेजर हूँ, मैं यहाँ कमरों की देखभाल करती हूँ। अच्छा, बाय द वे आई एम वेरी गुड एट हाउसकीपिंग। गुड मॉर्निंग। Somebody take my watch. Where is my watch? Wait, do you have my watch? Yes, sir. Do you have my watch? No, sir. Yes, you have stolen my watch. No, sir. It's very exciting. No, sir. Excuse me, sir. What is it, sir? He has taken my watch for sure. Watch? He was. Maak sam sir, mumbe kor gaya tha. Main kya sir? Nikalo, nikalo, ghadi nikalo. Main nahi hai sir. Maak sam sir, main to dekha bhi nahi sir. No sir, I swear. I have taken sir. Search him, search him. Okay, okay. Right, sir. He's a nice boy, sir. Don't. Main check karta hu. He's a nice. Maak sam sir. Let me sir. Hey, what's going on? This is my watch. Call the police. Sir, sir. Please, call the police. This is a theft. Just one second. This is a theft. This is a theft. No, sir. Yes, okay, okay, okay. Iske taraf se hum aapse. I'm happy. I apologize. Excuse me, sir. Sir, maaf karna, sir. Fired. आपको जज भी नहीं है जो किसी को सजा दे दे फिर, समझे आप? चंटू क्या डायलॉग मारा है? शराब यार। लुक मैन, आई एम वेरी श्योर चोरी इसी ने की है। सर ये बिल्कुल गलत इल्जाम है सर, निखिल चोर नहीं बल्कि उसे फंसाया जा रहा है। लेकिन तुम इतने उससे कैसे कह सकते हो कि वो नहीं है? तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे तुम असली चोर को जानते हो। हाँ हम जानते हैं सर। हैं? क्या? बैठो 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 बैठो। कौन है? सर इस पूरे रिसॉर्ट पर सिर्फ दो लोग ऐसे दबे पाव घूमते हैं और घूरते रहते हैं जैसे सिर्फ वो या वो घूमता है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब मालिक घूमता है या चोर घूमता है? राइट सर। खुराना? कौन है? सर मिस मोनिका एंड असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गोम्स। हैं? मोनिका? अरे सुनो। यस सर। जरा मोनिका को अंदर भेजो। जी सर। वैसे तुम्हें कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है मोनिका की इस तरह से चोरी चोरी ताक झाक करने की हरकतों का? बहुत बुरा अनुभव है सर, माँ भयंकर। अच्छा मिस मोनिका। यस सर। इन दोनों का कहना है या तो तुम चोर हो या मालिक हो, सच सच बताओ तुम कौन हो? क्या? Amazing! क्या बात है? आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं इनकी बेटी हूँ? क्या? क्या? आइला? सर मतलब वो आपकी बेटी है? फंस गए ना, उल्टा घुमा कैसा लात मार के निकालेंगे ना इंस्टीट्यूट से। क्या? नहीं कुछ नहीं सर, वो एक्चुअली क्या वो ट्रेनिंग सिक्योरिटी ट्रेनिंग के टाइम वो उनपे वो करना पड़ता था। चलिए कम से कम मुझ पर आपकी बारीक नजर तो है। आइला यूरोप से लौटी थी और हम जानते थे यहाँ उसे कोई पहचान था नहीं। उसी मौके का फायदा उठा के हमने उसे स्टाफ में शामिल कर दिया ताकि चोरी भी पकड़ी जाए और उसे थोड़ा बहुत कुछ एक्सपीरियंस भी मिल जाए, है ना? वेल डैडी, मिस्टर गोम्स पर मुझे भी शक है लेकिन बिना सबूत के उनपे इल्जाम लगाने से पूरा स्टाफ पैनिक हो जाएगा। इन दैट केस सर, अगर वाकई असिस्टेंट मैनेजर मिस्टर गोम्स चोर है तो कल सुबह वो सारा चोरी का माल लेकर आपके सामने हाजिर होगा सर। क्या? सर आप हमें आजमा कर तो देखिए।